बनारस में लगे ट्रेड फेयर में मैं आया हुआ हूँ, जहाँ पर हस्तकला के तमाम आइटम लगा करके यहाँ पर अपना स्टॉल और विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे जगहों के लोग इसमें दिखाई पड़ रहे हैं और अपने अपने उत्पाद, अपने अपने फैक्ट्री के उत्पाद, ये लोग निर्माता हैं, होलसेल निर्माता हैं लोग। और यहाँ आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं? हाँ, लोकल बनारस। बनारस में कहाँ से बताएं आप अपने? बनारस से सर, बदायनी पे हमारी शॉप। हाँ, बदायनी पे स्थित है। बदायनी पे स्थित है। तो मुख्य कार्य आपका क्या है? पूरे लकड़ी के खिलौने जो अभी बनारस के फेमस बनते हैं, ये सब जो भी है लकड़ी। आपके सबसे ज्यादा आइटम कौन सा बिकने वाला है जो आपके यहाँ से जाता है? सभी जाता रहता है सर। कौन लोग ले जाते हैं? पंचमुखी हनुमान है, जैसे बहुत से आर्टिस्ट होते हैं पंचमुखी हनुमान, उनको बहुत। अच्छा, पंचमुखी हनुमान ज्यादा आपके यहाँ से जाता है? अच्छा, ये बच्चों के खिलौने भी बहुत। अच्छा, बच्चों के सब खिलौने भी जो है, जो ये लकड़ी के हैं? सब लकड़ी। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा। ये राजस्थान का स्टॉल है और राजस्थान के स्टॉल पर बहुत से जो ड्राइंग रूम में लोग सजा करके रखता है, दरवाजों पर अपने लगा कर रखता है, ऐसे आइटम इन्होंने बहुत सारे बना कर रखे हैं। ये किस चीज़ के बने हुए हैं भाई? ये हाथ, ये कागज के हैं कि लकड़ी के हैं? बताएं आप जरा हमको। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी सर, बिल्कुल। अपना परिचय देते हुए हमें बताएं। सर, मेरा नाम मुकेश भट्ट है, मैं जयपुर, राजस्थान जयपुर से हूं। हाँ। और हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। हाँ। और हम लोग, ये हमारा जो कल्चर है, हाँ, पपेट्स वगैरह, ये राजस्थान में ही ज्यादातर चलती है। हाँ। और हम ये पपेट्स खुद बनाते हैं। हाँ। और हम खुद ही सेल करते हैं सर। हाँ, कौन ले जाता है आप यहाँ से? सर, वैसे तो फॉरेनर भी आते हैं बहुत सारे, वो भी ले जाते हैं। फॉरेनर आते हैं? बिल्कुल फॉरेनर सर, मेन तो उनको ही फॉरेनर को ही इनका शौक रहता है। हाँ हाँ। वो इनके डांस वगैरह वही देखते हैं। डांस कराइए। बिल्कुल चाहिए, देखिए। अरे गोरी मारी जे पूरी ये जाया ही रहे गलता, तीर्थ में ना आई रहे गोरी मारी जे पूरी ये जाया। देखिए क्या बढ़िया इन्होंने गाना भी सुनाया और देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और क्या बढ़िया स्टाइल है। बहन जी, आपको स्टॉल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको तो स्टॉल। हाँ? इसीलिए तो हम ले रहे हैं। हाँ, आपको आपको यहाँ मेले में आने से कुछ बताएं अपना अनुभव? मैं यहाँ से ये सब सामान ली हूँ, हाथी, घोड़ा, पपेट सब ले रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं बनारस की हूँ। प्रॉपर बनारस की हैं? बहुत अच्छा। हाँ, नमस्कार। हम आपके लिए जयपुर से कुछ लेके जाइए सर, पपेट। हाँ बहन जी, आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। अरे राजस्थान का कुछ चीजें हमको बताइए कैसे ये सब। राजस्थान सीकर से, ये देखिए सर। हाँ, सीकर का आया चंदो भाई। अरे सीकर। हाँ सीकर। अरे चंदो भाई, इधर आइए सर, इधर देखिए। ये चंदो भाई, सबको नमस्कार करो। हाँ, ये हमारे राजस्थान से साहब आए। अरे वाह, देखिए नमस्कार करा रहे हैं भाई। अरे पल्लो लटके रे मारो, पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो, ओ जा बाल मामर पल्लो लटके। अरे घूंघट में बिजड़िया चमकावे गोरी थारी आंख, अरे घूंघट में बिजड़िया चमकावे गोरी थारी आंख, जरा सो जरा सौ टेढ़ो, हो जबाल मरो पल्लो लटके। ये हैं उद्यमी हमारे राजस्थान के, देखिए और गा करके किस तरह से इन्होंने ये अच्छा क्या। ये राजस्थान में इस तरह का पहनावा ज्यादा पहना जाता है क्या? ये राजस्थान में इसको बोलता है चुनरी। ये चंदो भाई नमस्कार करो, हमारे साहब लोग आए हुए मेले के अंदर। ये नमस्कार। हाँ। ये हमारे साहब आए हुए सफेद कुर्ते भेजे हमारे, इनको भी प्यार भरा है। ये नमस्कार। बहुत अच्छा भाई, धन्यवाद। बहन जी, आपको ये मेले में आने से आपको कुछ बताइए अपना अनुभव? आप कहाँ से आई हैं? बीएचयू से। तो आपको बीएचयू से यहाँ आई हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और इतने रंग, इतनी हुनर लोगों के पास है, वो देख के आनंद आता है। और फिर भी ये बेरोजगार बेचारे बैठे हैं। लेकिन अब तो सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हाँ, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, इससे लोग भी खुश हैं, उद्यमी भी खुश हैं, शायद बदलेगी। हाँ, कुछ अपना अनुभव बताएं सर। ठीक है। हाँ, अरे पहले बताइए, ठीक है, आप स्वस्थ हैं? जी जी। हाँ बहन जी, बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम बनारस से, बनारस के ही हैं। हाँ।
वाह बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश से आए हैं। आपका अनुभव क्या है बहन जी? हाँ। अपना परिचय देते हुए बताएं। अभी तो मैं एंट्री की हूँ। हाँ। अभी पूरा स्टॉल देख नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। देख लिए, देख के जरूर बताएंगे।